श्रीमान कृपया ध्यान दें, जनता के सवालों को सीधे सत्ता तक पहुंचाने वाले हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। देश आपका आभारी रहेगा क्योंकि श्रीमान कृपया ध्यान दें। आज हम देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ध्यान एक ऐसी रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहते हैं जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से भारत को अगले 12 सालों में करीब 3,67,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। श्रीमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, आपसे निवेदन है कि जरा नीचे की इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। श्रीमान, आपको पहली तस्वीर में कुछ आंकड़े दिख रहे होंगे, वहीं दूसरी तस्वीर में बाढ़ की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। आपका इन पुरानी तस्वीरों की तरफ ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने वाला है। इस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। साल 2030 तक भारत को प्राकृतिक आपदाओं से करीब 3,67,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। अगर सिर्फ बाढ़ की बात करें तो ये नुकसान 31,680 करोड़ रुपए है। साल 2010 की तुलना में ये नुकसान करीब 6 गुना ज्यादा है। वहीं पड़ोसी देश चीन को भारत से आधे से थोड़ा यानी 1,84,800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये नुकसान चीन के लिए भारत के हिसाब से कम है क्योंकि चीन की आबादी और क्षेत्रफल दोनों भारत से ज्यादा है। नितिन गडकरी जी, आपकी सरकार बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने के लिए अगले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 99,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे रोकने के लिए क्या हुआ है और आगे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, एक्सपर्ट बता रहे हैं। बाढ़ एक ऐसी चीज है कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत कम समय में बाढ़ को रोक दिया जाए। ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है क्योंकि जिस तरह से हमने अपने शहर बसाए हैं उसमें ये संभावना नहीं है कि कोई 2 साल या 4 साल में कोई इस तरह का कोई तरकीब आएगी कि जिससे बाढ़ से फौरी राहत मिल पाए। नुकसान को कम निश्चित तौर पे किया जा सकता है। दरअसल हमारी चिंता ये है कि देश के अलग अलग राज्यों में पिछले साल करीब 158 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। देश भर में 1,796 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई। सबसे ज्यादा 514 मौत बिहार में दर्ज की गई। बाढ़ से करीब 10 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ। 19 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। 41 लाख हेक्टेयर फसल खराब हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजादी के बाद से अब तक जीने और मरने के क्रम में देश की कुल जनसंख्या से ज्यादा यानी 200 करोड़ लोग बाढ़ से किसी न किसी रूप में प्रभावित हो चुके हैं। फिलहाल भारत की जनसंख्या 133 करोड़ के करीब है। श्रीमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस रिपोर्ट पर ध्यान दें और अगले 12 सालों में बाढ़ से होने वाले नुकसान से देश और उसमें रहने वाले भारतीयों की जान बचाएं। पूरा देश आपका आभारी रहेगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।